इसमें जितनी गरीबी है उतनी अमीरी भी है। सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिनका कॉस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के अंदर पड़ेगा। स्पेशली मैं यहाँ पर वे प्रोटीन्स की बात करने वाला हूँ, और जो भी सप्लीमेंट्स मैंने चूज किए हैं बहुत सोच समझ कर एंड बहुत ऑथेंटिक सप्लीमेंट चूज किए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ गया और हल्का फुल्का जिसमें प्रोटीन होगा वो आपको रिकमेंड करूंगा। बहुत ही अच्छे एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1000 रुपए के अंदर वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो जो मेरी सबसे पहले पिक है वो है इम्पैक्ट का वे प्रोटीन। यार आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि इम्पैक्ट का जो वे प्रोटीन है या जो ये कंपनी है, ये वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वे प्रोटीन मानी जाती है। इसके पर सर्विंग साइज में, इसका जो 30 ग्राम का स्कूप होता है उसके पर सर्विंग साइज में आपको 20 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी गुड प्रोटीन मिलता है। इसी के साथ ही साथ आपको 5 ग्राम BCAA मिल जाता है एंड कुछ अमाउंट में आई थिंक 4 ग्राम में आपको ग्लूटामिन भी मिल जाता है, जो कि हमारी मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। सो जिनका बजट बहुत टाइट है उनके हिसाब से आई थिंक इसका जो कॉस्ट होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको 850 रुपये के आसपास मिल जाता है। बट ये कितना है ये यहाँ पर देख लीजिए। एंड मेरी जो दूसरी पिक है वो है मसल ब्लेज का वे बिगिनर। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि यार ये बिगिनर्स के लिए, देखिए प्रोटीन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बिगिनर हैं कि आप एडवांस हैं। प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, चाहे वो एडवांस व्यक्ति की बॉडी में जाए चाहे वो बिगिनर्स की बॉडी में जाए। अब कंपनी ने क्या सोच के ये प्रोटीन बनाया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी ने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि न्यू कमर्स होते हैं, जो कि इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम शायद जिम हिट करने जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के दिमाग में, ऐसे लड़कों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार अगर हमने वे प्रोटीन लिया तो कहीं से हमारी बॉडी में इफेक्ट ना पड़ सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक वे बिगिनर बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिगिनर्स इसको नहीं ले सकते, बिगिनर्स भी इसको ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है। सो अगर आपका बजट टाइट है ना तो आप इसको ले सकते हो। आई थिंक इसके पर सर्विंग साइज में आपको 10 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। यार ये मत सोचो कि मुझे 25 ग्राम ही चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है और आपको वर्कआउट के बाद आपका इस स्कूप में अगर आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो अच्छी बात है। वैसे भी कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो इसका जो कॉस्ट है यार वो 1100 रुपये है, बट इट्स ओके। आई थिंक मुझे लगता है कि 1000 में हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है प्रोटीन एक्स। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पता है हमारी सोसाइटी में इसके बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कि यार प्रोटीन एक्स को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सोयाबीन ऐड है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत खराब है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे सुधार कर दिए। अब इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स उपलब्ध हैं, कंपनी ने इसको सोया फ्री बनाने की भी कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी ने इसको बहुत हद तक इसकी जो खामियाँ थी वो दूर कर दी। अब आप मुझे बताइए इसका जो एक स्कूप है उसमें अगर आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो अच्छी है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये एकदम लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, बट हाँ अगर आपकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो रही है तो देन इट्स गुड। यार जिनका बजट नहीं है, अब सोचो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 300 रुपये से लेके आई थिंक 250 से भी शायद मिलता है, पर फिर भी मैं ले रहा हूँ 300 रुपये से लेके 600, 700, 800 रुपये तक उपलब्ध है। तो आपका जो भी बजट हो, एकदम टाइट बजट है, जैसे कि हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं जिनके पास एट द एंड ऑफ मंथ 300, 400 रुपये, 500 रुपये बचते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन। प्लस बाकी आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में उपलब्ध हैं। सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जा सकता है।